हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। और एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल बैंकर चिंतामणि में। तो आज जब मैं बैंक से आ रहा था तो मुझे बहुत सारे लोग फुल्की खाते हुए देखे, मतलब पानी पूरी। जहां देखो पानी पूरी वाले फुल्की खा रहे थे, तो मेरा इतना मन कर गया कि मुझे भी आज लग रहा था कि पानी पूरी खानी खानी है। अभी मेरे मुंह में पानी आ रहा है क्योंकि मुझे पानी पूरी बहुत ज्यादा पसंद है। जब घर से बैंक आ रहा था तो मैंने बीच रास्ते में से इसको फोन किया कि आज जो है तू बढ़िया चटपटा पानी पूरी का पानी बना ले और आलू बॉईल करके रख दे, मसाला वगैरह सब रेडी करके रख दें, और मैं फुल्की जो रहती हैं वो मैं बाजार से पैकेट लेके आता हूँ, और उसके बाद जो है मेरी आज फुल्की खाने की इच्छा है तो मैं फुल्की खाऊंगा। बस इसने जो है सब कुछ रेडी कर दिया, हमारा फुल्की का भी पूरा आइटम जो है सेटअप पूरा रेडी है। अब दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये ली है मैंने फुल्की, क्योंकि मैं जब फुल्की खाने बैठता हूँ तो मैं थोड़ी मोड़ी फुल्की नहीं खाता हूँ, मुझे बहुत सारी फुल्की चाहिए होती हैं। मार्केट में जाते हैं तो एक दो चार पाँच दस खा लेते हैं, लेकिन यहाँ तो मैं बहुत सारी फुल्की खाने वाला हूँ। ये पूरी की पूरी थाली भर के मैं ही खाने वाला हूँ। और ये है चटपटा पानी जो कि बिलौटा ने बनाया है, और ये जो बॉयल आलू थे काट लिए हैं, और ये है मीठी सौंठ, मतलब आमचूर की मीठी चटनी। और पहले मैं इस आलू में, ये वाला मसाला हम झांसी से लेके आए थे, ये पानी पूरी का स्पेशल मसाला है जो कि आलू में डलता है। केवल थोड़ी सी डालेंगे हम लाल मिर्च, थोड़ा सा डालेंगे हम काला नमक, और इसको हम कर लेते हैं ये मिक्स। तो ये हमारे मसालेदार आलू तैयार हैं, पूरा का पूरा सेटअप हमारा तैयार है। अब बस जो है हमको खाना है, तो करते हैं हम जो है पानी पूरी की शुरुआत। पानी पूरी का मजा ही अलग होता है। पानी पूरी को खाने के लिए इसको तोड़ दो, पहले बढ़िया आलू डाल दो। सौंठ की खानी है तो सौंठ की भी खा सकते हैं, बढ़िया है। इसमें सौंठ और जो है पानी, ये हो गई खट्टी मीठी। वैसे मैं सोच तो रहा था कि चमचे से खाऊंगा, लेकिन मुझे चमचे से खाने में मजा नहीं आ रहा है, तो इसीलिए मैं चमचा रख देता हूँ साइड में। पहले हम अंग्रेजी स्टाइल में खा रहे थे, अब खाएंगे हम अपनी देसी स्टाइल में। आलू डाल दिया फुल्की में, ऐसे खाने का मजा एक अलग ही होता है। जो जो फुल्की के दीवाने हैं, फुल्की प्रेमी नहीं बोल रहा हूं, फुल्की के दीवाने, फुल्की प्रेमी और दीवानों में बहुत अंतर होता है। फुल्की के दीवाने होते हैं जो फुल्की के लिए पागल रहते हैं, तो वो कमेंट करके बताते जाइए कि आप भी इतनी फुल्की खा सकते हो और इसी तरीके से खाना पसंद करते हो। मैंने बिलोटा से कहा कि तू भी फुल्की खा ले, मैं नहीं खाती फुल्की। फुल्की को अलग अलग नामों से जाना जाता है। अब तीखा तीखा लग रहा है, अब मजा आ रहा है। जब तक आंसू नहीं बहने लगे ना, तब तक समझ लीजिए खाने का स्वाद ही नहीं है। तो फुल्की को जिस जिस नाम से जानते हैं, मुझे कुछ नाम पता है तो मैं बताता हूं। जैसे पानी पूरी, गोल गप्पे, पानी के बतासे, पड़ाके, टिकिया, पानी की टिकिया, पुचके। अगर आपको भी इसके कुछ और नाम पता है ना, तो कमेंट में फटाफट बताते जाइए और लिखते जाइए किस किस नामों से बुलाते हैं, हमारा भी इंफॉर्मेशन बढ़ेगी, नॉलेज बढ़ेगी। जी लग जाए, रहा ना जाए, पेट भर जाए, मन नहीं भरता। फुल्की तो हमें मथुरा वृंदावन की ही बहुत पसंद आती है, बाकी यहाँ की फुल्की हमें बिल्कुल पसंद नहीं आती। फुल्की तो ठीक है, ऐसी एक्चुअली पूरा का पूरा स्वाद जो रहता है ना, इसके पानी में रहता है। पानी ही ऐसा खेल है जो लोगों के टेस्ट को, लोगों की मानसिकता को बदल देगा। तो बस वही है, यहाँ का पानी अच्छा नहीं है। यहाँ पर 30 रुपए की प्लेट देते हैं फुल्की, एक प्लेट में 6 पीस आते हैं। अब सोचिए कि मैं जो है कितनी सारी खा गया। मैं
फ्लोटर का भी मैं इतनी देर से फुल्की खा रहा हूँ तो फ्लोटर का भी मन कर यार फुल्की खाने का। नहीं मेरा मन नहीं कर रहा, अच्छा तो तेरा मन नहीं कर रहा नहीं। क्या तू पानी वाले तू शॉर्ट वाले? अब जो है तीखा लगता जा रहा है यार क्योंकि पानी काफी तीखा है। मैंने अच्छा बनाया लेकिन बहुत बहुत मजा आ रहा है पानी का। जब आपको पानी तीखा लगने लगे तो फिर इसके लिए एक छोटा सा उपाय कर लीजिए। आलू डालिए, उसमें डालिए सौंठ, पानी मत मिलाइए, खा लीजिए। मेरे से गलती हो गई। का? आलू डाला, यस। सौंठ डाला, यस। और ऊपर से काला नमक, ये थोड़ा सा काला नमक और डालना है तब मजा आएगा। डाल दो पूरे। और फुल्की आ गई, थैंक यू। मैंने इसको बोला था कि मैं फुल्की मुझे और खानी है तो मना कर रही थी, बोले नहीं यार नहीं बहुत हो गई बहुत खा ली। मैंने कहा प्लीज दे दो आज, जी भर के खानी है। तो उसने और बहुत सारी फुल्की डाल दी है, ये समझ लीजिए कम से कम 300 रुपए की फुल्की तो मैं खा जाऊंगा। कुछ फुल्की इस तरह की टूटी टूटी रहती है तो उसमें आलू डालते हैं, मसाले वाले आलू है और डायरेक्ट खा लेते हैं। डालो क्या? डाल दे पूरे। जो फुल्की मैंने सूखी खाई वो एक्चुअली सूखी फुल्की केवल आलू और थोड़ा सा नमक वमक लगा के, जो है ना जब हम बाजार में पानी पूरी खाते हैं तो सबसे एंड में देते हैं, डिमांड तो रखते हैं कुछ भी हो जाए लास्ट में। पहले तो हम गौर से देखेंगे कि भैया हमें जो है अपने आप दे रहा है कि नहीं, नहीं तो उसे पूछेंगे भैया सूखी तो दे दो। और ये कुछ जो है पानी पूरी का चूरा बच गया है। एक और सूखी निकल गई, ये वही सूखी है जो पानी पूरी खाने के बाद लड़कियां तथा नौजुवक जवान लोग बुढ़े लोग सब जो है नजरें गड़ा के बैठते हैं कि अब तो सूखी मिलेगी क्योंकि पानी पूरी खाने के बाद सूखी का मजा ही अलग है। लेकिन मैं तो साथ में खाए जा रहा हूँ सूखी। सूखी तो हमारे पास बहुत है, इसमें हमने पानी मिला लिया, अब पेट भर गया मेरा। लेकिन मन नहीं भर रहा है मेरा। मन नहीं भर रहा है, पेट मेरा लगभग लगभग बहुत भर गया है क्योंकि इतने सारे आलू, दो बार प्लेट भर के आलू, इतनी सारी पहले एक थाली भर के फुल्की, दूसरी बार फुल्की, एक कटोरा भर के पानी, सौंठ भी खत्म होने को आ गई अब तो। इस तरीके से ये जो है वो धमियाता रहता है। चल खाए फुल्की। अब वो मूंग की दाल कौन खाएगा? नाचो नहीं, मैं कितनी मैं अभी अपने हिस्से की खा लूंगी बस। फुल्की पानी पूरी रखी है तू बात मूंग की दाल की बात कर रही है, बता अकल नहीं है बिल्कुल भी। मूंग की दाल की बात करता मैं पानी पूरी के सामने? मैंने पहले बना ली थी, तुमने मुझे देर से बताया। मतलब भाई साहब एक से एक उस्ताद लोग हैं, सामने पानी पूरी रखी है, मैं कह रहा मूंग की दाल कौन खाएगा? बेलोटा तो सूखी उड़ा जाता है फुल्की। तो मेरी फुल्की उठा उठा के सूखी सूखी उड़ा रही है। दो खाने हैं? दो खाने वो दो की भरपाई करेगा कौन? चल पेट पेट में से निकाल वापस। यार खा रहा हूँ फुल्की, ऐसी बात कर रही है। जो मैंने पानी बनाया है, मैंने आलू बॉईल किए, इसकी कोई वो नहीं है।
हवास। मुझे कोई मतलब नहीं है, चाहे एक घंटे बाद वो दाल खाओ, खानी पड़ेगी। मैं तो नहीं खा रहा दाल। तुमने क्यों नहीं बताया? वेस्ट होगी। अब कुछ नहीं वेस्ट होगी, सुबह खा लूंगा मैं। सामने फुलकी चल रही, तू करी दाल खानी पड़ेगी। तू पागल है? तू इतने भले हो, तुम शाम को सुबह खाते हो कभी? खा लेंगे, कभी खाते हो। तेरे तू इतने प्रेम से खिलाएगी, तेरे प्यारे प्यारे हाथों से। नाटक करते हो, तीखा लग रहा है। तो मत खाए ना। नहीं, मन नहीं भरा। ये कल कल मालूम चलेगी, रुक जाओ, सब मालूम चलेगी सब। मुझसे कह रही थी थोड़ी देर बाद खाना फुल्की, ये खाना। क्यों भाई थोड़ी देर बाद? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पर में परले होएगी, भोर करेगा कब? नो भाई साहब, 9 बज गए हैं। हाँ, मैं पिछले एक घंटे से पानी पूरी खाए जा रहा हूँ। लास्ट 4 बची हैं, ये 4 मुझसे खब नहीं रही हैं। पेट बुरी तरीके से भर गया है। तकरीबन 100 फुल्की खा लिया होंगी मैंने। पानी भी खत्म हो गया, 2 फुल्की के लायक थोड़ा सा पानी बचा है। ये सूखी बना के रख लेता हूँ। ये मसाला डाल के सूखी बना ली है, ये 2 खत्म कर लेता हूँ पहले, आखिरी 2 बची हैं, उसके बाद एंड में खाऊंगा उसको। माई लास्ट एंडिंग फुल्की जो कि अब मैं खाने वाला हूं। पेट लबालब भर चुका है, फिर भी मेरा मन नहीं भरा। लेकिन भाई साहब एक कहावत तो माननी पड़ेगी, अति सर्वत्र बढ़ जाए था, किसी भी चीज की अति नहीं करनी चाहिए। तो अब बहुत हो गया, इससे ज्यादा मैं नहीं खा सकता। जय हो। तो भैया यहाँ पे जो है मैंने सारी की सारी पानी पूरी खा ली है, और मैंने इसको बताया ही नहीं था कि मुझे आज केवल पानी पूरी खानी है। मैंने इसको बोल के रखा था कि तू दाल वगैरह जो भी बना रही है बना लेना, मैं वो भी जो है थोड़ा बहुत खा लूंगा। लेकिन जब पानी पूरी सामने आ गई तो दूसरी चीज मैं सोच भी नहीं पा रहा था, ना मैं खाने की मेरी इच्छा हो रही थी। अब मेरे बेचारा, लेकिन इसने इतनी मेहनत से दाल बनाई थी, इसने तो पानी पूरी खाई नहीं है, तो ये खाएगा दाल। अब तू दाल खा ली है। तो चलो, अपना अपना स्वाद है, अपना अपना शौक है। हम पानी पूरी वाले, ये मूंग की दाल वाला। आपको लग रहा है ये मूंग की दाल वाला प्राणी है? नंबर 1 का चटुआ है। एक बार उसको दिल्ली छोड़ दो, फिर तुम देखो, छोले कुलचे से लेके भटूरे से लेके मोमो से, डोलमा आंटी के मोमो से लेके सब कुछ लाइन से खा जाएगा। मुझे पानी पूरी मतलब पसंद वाली बात नहीं, मैं से खाई नहीं जाती ज्यादा, मैं 1 या 2 ज्यादा खा सकती। मुझे खट्टा चीजें ज्यादा कम पसंद है। मेरे को तो बहुत पसंद। तो आप भी जो है कमेंट करके बताइए कि मेरी तरीके से पानी पूरी का दीवाना कौन कौन है जो कि इतनी सारी पानी पूरी खा सकता है। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर से मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।